हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर द गंगा, टेंथ क्लास चैप्टर ऑफ प्रोज, जो लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट हु गैव इट टू हिम इन प्लंटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो आंसर कर, ऐसा कौन सा अनमोल गिफ्ट था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, हु गेव इट टू हिम इन प्लंटी, और वो उन्हें बहुतायत मात्रा में मिला था। द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्री मैन वॉज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू, ऑल क्लासेस ऑफ पीपल गेव इट टू हिम इन प्लंटी। जो भारतवासियों का, जो उनके देशवासियों का प्रेम और स्नेह था, वो उन्हें मिला हुआ था एक अनमोल गिफ्ट के तौर पर, और वो उन्हें सभी वर्गों के लोगों ने बहुतायत मात्रा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रीपे टू द इंडियन पीपल। नेहरू क्या रीपे करने में असमर्थ रहे थे इंडियन पीपल को, भारत के लोगों को। नेहरू वाज अनेबल टू रीपे द लव एंड अफेक्शन विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन पीपल। जो भारतीय लोगों से उन्होंने प्यार और स्नेह जो उन्हें मिला था, वो उनको रीपे करने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन पंडित नेहरू रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल, वाई और वाई नॉट। क्या भारतीय लोगों के लिए, भारतीयों के लिए पंडित नेहरू वो जो अपना प्यार और जो प्रेम और स्नेह था वो वापस कर पाए, क्यों और क्यों नहीं। आंसर करेंगे, पंडित नेहरू कैन नॉट रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू रिपे सो प्रीशियस अ थिंग। क्योंकि उनके पास ऐसी कोई प्रीशियस थिंग नहीं थी, ऐसी कोई प्रीशियस अनमोल वस्तु नहीं थी जो उसके बदले वो उसको दे पाए, उनके प्यार और स्नेह के बदले उसको दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड नेहरू कंसीडर द गंगा अ होली रिवर, व्हाई डिड ही वांट हिज एसेस इमर्स्ड इन द गंगा। क्या पंडित नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी मानते थे, और वो ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी जो राख है वो गंगा में प्रवाहित की जाए। ही वॉन्टेड, ऐसा नहीं था कि नेहरू, पंडित नेहरू गंगा को सिर्फ एक पवित्र नदी मानते थे इसलिए उसमें अपनी राख प्रवाहित करना चाहते थे, वो क्यों करना चाहते थे। ही वॉन्टेड हिज एस इमर्स्ड इन द गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू इट सिंस हिज चाइल्डहुड। वो एक, उसको एक पवित्र नदी तो मानते थे, लेकिन इसके अलावा उनका जो प्रेम और स्नेह था वो गंगा से बचपन से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी राख को इलाहाबाद में आकर गंगा में प्रवाहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू ने गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी, क्यों कहा है। नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पंडित नेहरू ने गंगा को भारत की नदी इसलिए कहा है क्योंकि ये भारत के जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो उसकी सभ्यता है, ये उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गंगा सिम्बोलाइज। गंगा क्या प्रतीक, गंगा का प्रतीक क्या है, गंगा किसकी प्रतीक है। आंसर करेंगे, द गंगा सिम्बोलाइजेस इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो गंगा है वो भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल। नेहरू को इंडियन पीपल से क्या प्राप्त हुआ, भारत के लोगों से क्या प्राप्त हुआ। नेहरू रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।